हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है स्पेशल खाना। तो चलिए आज इस स्पेशल खाने में बनने वाला है सेवई। खीर नहीं, सेवई का हलवा। सेवई की खीर तो आपने बहुत बहुत खाई होगी, पर आज आप खाएंगे सेवई का हलवा, और वो भी इतना गजब का कि जिसे खाने के बाद आप हमेशा यही बोलने वाले हैं कि यार मेरा तो फेवरेट सेवई का हलवा है। जैसे मेरा, मुझे बहुत पसंद है सेवई का हलवा। जब मैंने पहली बार खाया था तब से लेके आज तक सेवई का हलवा फेवरेट है, क्योंकि मैं इसे इतने नए तरीके से, इतने डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ कि मैं पूरे घर को हमारे सेवई का हलवा बहुत पसंद है। और यकीन मानिए, ये मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होने वाला है। आपकी फैमिली में भी सब यही कहेंगे कि यार सेवई का हलवा बना दो। तो यहाँ पे हमने लिया है पूरा सेवई का पैकेट। अब देख सकते हैं बाज़ार में जो सेवई का पैकेट आता है, बारीक सेवई वाला, वो पैकेट मैंने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 100 से 150 ग्राम तक खोवा। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी ली है चिरौंजी, थोड़े से काजू, यहाँ पे 1 कप भर के मैंने ली है शक्कर, 1 गिलास दूध। आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पर है पिसी हुई इलायची का पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है 4 से 5 चम्मच घी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेवई को अच्छे से फोड़ लेंगे। फोड़ लेंगे मतलब बहुत छोटे छोटे उसके पीसेस करने हैं, क्योंकि हमें हलवा बनाना है, तो उसके लिए हमें उसके बहुत बारीक करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर उसे अच्छे से हम फोड़ लेंगे। ये देखिए पूरी सेवई मैंने एकदम बारीक उसे फोड़ लिया है। आपको भी इसी तरह से करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़े बड़े पीसेस हुए तो अच्छे से वो हलवे में कन्वर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई गैस पे रख दी है। अब मैं इसमें डालूँगी सारा घी। जो 4 से 5 चम्मच हमने घी ले रखा है वो पूरा घी डालना है, क्योंकि सेवई के हलवे में जो है ना वो घी थोड़ा ज़्यादा लगता है, तभी तो उसमें इतना स्वाद आता है। तो आपको यहाँ पे घी ज़्यादा यूज़ करना है। अब हम इसमें पूरी सेवई डाल देंगे। और हाँ, जब आप इस हलवे को बनाएं तो आपको गैस का फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम रखना है, क्योंकि सेवई ना बहुत हल्की होती है तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जब आप सेवई का हलवा बनाएं तो उस दौरान जब आप ये हम ये सेवई जब हम उसको घी में भून रहे हैं तो हमने गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखा है। बहुत ज़्यादा स्लो नहीं रखना है, मीडियम से थोड़ा कम, ताकि वो अच्छे से हम उसे भून लें, वो जलने ना पाए, क्योंकि अगर वो जल गई तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाना है फिर। तो इसी तरह कंटिन्यू चलाते रहना है। धीरे धीरे उसका कलर सुनहरा होता जाएगा, सुनहरे से फिर वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, वरना आपकी सेवई जल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि सेवई का रंग कितना चेंज हो चुका है। इसे भूनने में 10 से 15 मिनट तक का टाइम लगता है। काफ़ी इसका कलर ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें जो मैंने खोआ लिया था, वो सारा खोआ हम इसमें डाल देंगे। इसमें खोआ बहुत ज़रूरी है, आप खोआ स्किप नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि हम खोआ नहीं डालेंगे, अगर आप खोआ नहीं डालेंगे तो उतना अच्छा वो नहीं बनने वाला, इसलिए आपको खोआ यहाँ पे ज़रूरी है, आपको खोआ ज़रूर डालना है।
ज़्यादा नहीं 100 से 150 ग्राम खोए में हो जाना है। अब खोआ डालकर हम इसे सिर्फ 2 मिनट तक और चलाना है अच्छे से। हाँ, इस दौरान आपको गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर देना है क्योंकि हमारी सेवइयाँ पूरी तरह से भुन चुकी है, ब्राउन हो चुकी है, तो अब गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे सारा दूध आपको डाल देना है। आप चाहें तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 ग्लास तक डाल सकते हैं, आपकी चॉइस। अभी देखिए हमने दूध डाल दिया है, तो अभी इसी दूध में अच्छे से ये पक जानी है। गैस का फ्लेम मैं बार बार कहूँगी एकदम स्लो ही रखना है। ये देखिए सारा दूध मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें जो मैंने 1 कप शक्कर ली थी वो शक्कर डाल देनी है पूरी, और इसे अच्छे से मिक्सअप कर देना है। ये देखिए अब धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा पकने लग गई है, फिर से उसमें दूध डालने की वजह से उबाल आ रहा है। कितनी गाढ़ी हो गई है अब देख सकते हैं। तो अब हम इसे ढक देंगे, ये यहाँ पर कंप्लीट है। तो अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए ढक देंगे। अब ये हो चुकी है, अब देखिए सेवई जो है दूध में पकने की वजह से पूरी एकदम फूल गई हैं। अब देखिए कितना ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, इतना ज़्यादा ही टेस्टी दिख रहा है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया, और जो हमने खोआ डाला था उसका टेक्सचर तो क्या कहना। अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम धीमे धीमे भूनेंगे, और मैं काजू जो मैंने बारीक काट लिया था, उसके अलावा इलायची पाउडर भी मैं डाल रही हूँ, जो मैंने आधी चम्मच इलायची पाउडर लिया था, और चिरौंजी, हमने यहाँ पे पूरी चिरौंजी डाल देनी क्योंकि इसमें जो चिरौंजी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, और उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिखने लगता है। तो अब हम इस तरह से इसे 10 मिनट तक और इसे मीडियम स्लो फ्लेम पर इसी तरह से हम इसे भूनेंगे, ताकि जब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये साइड से पूरी तरह से घी ना छोड़ दे। आपको ध्यान देना है कि हलवा बिल्कुल भी कढ़ाई में लगने ना पाए, एक भी लगना नहीं चाहिए। और देखिए कितना ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और आप यकीन मानिए कि आप इसे बनाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको भी पसंद आएगा। आपने आज तक ऐसा सेवई का हलवा कभी नहीं खाया होगा, इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और मेरे खाना बनाने का तरीका आपको पसंद है, मेरी नई रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और हाँ कमेंट हमेशा करते रहें। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।